देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बंशीधर भगत बने उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष। जिस नाम की चर्चा हो रही थी वो नाम पर लग गई मोहर, अंतिम मोहर। बंशीधर भगत को सर्वसहमति से चुना गया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष चुने गए बंशीधर भगत। अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष बने। अजीत कंबोज जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अजीत, जो बातें हम कर रहे थे और जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही थी कि चेहरा तो बंशीधर भगत का ही है, मोहर भी लग गई। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम जो औपचारिकताएं थी वो अब पूरी कर ली गई हैं और विधिवत प्रमाण पत्र अर्जुन राम मेघवाल जो पर्यवेक्षक हैं उत्तराखंड भाजपा के, उन्होंने सौंपे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को। और नारेबाजी और जश्न का माहौल भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगातार जारी है। जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं बंशीधर भगत के खासी संख्या में, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर बम पटाखों के साथ आतिशबाजी की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। औपचारिक ऐलान हो चुका है नए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का और उन्होंने जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल ली है। जी, चुनौतियों का जिक्र भी कर लेते हैं। गुटबाजी और जो धड़ों में बटी हुई पार्टी, यानी कि हालांकि बाहर खुलकर कोई बात नहीं आती है, लेकिन चुनौतियां कैसी कैसी रहने वाली हैं बंशीधर भगत के लिए? खासी चुनौती भरा होगा खुद बंशीधर भगत के लिए। लगातार इस तरह की बातें उत्तराखंड में होती रही हैं कि यहाँ पर पहाड़वाद, मैदानवाद, तमाम ठाकुर ब्राह्मण, इस तरह की बातें काफी चलती हैं और इन सब चुनौतियों से पार पाना होगा नए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को। हालांकि अभी मौजूदा समय पर मंच पर सभी जो दिग्गज नेता है उत्तराखंड भाजपा के वो मौजूद नजर आए हैं और सभी ने शुभकामनाएं दी हैं। आने वाले समय में जब नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे बंशीधर भगत, तो उसके बाद वो किस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देंगे या जो दिक्कतें उनके सामने पेश आ सकती हैं उनसे पार पाने के लिए पहले से क्या होमवर्क करके आते हैं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बंशीधर भगत मैदान में उतर चुके हैं। नई जिम्मेदारी का प्रमाण पत्र उनको सौंप दिया गया है और अब आने वाले समय में भविष्य में जो सबसे बड़ा चुनाव होगा वो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा। कैसे वो अपनी 57 सीटों को बरकरार रख पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे पार पाने के लिए पहले से ही फीडबैक होमवर्क लेकर बंशीधर भगत मैदान में उतरे हैं। जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपने जिक्र किया 2022 के चुनाव का, अभी तक बीते कुछ दौर से देखें तो विजयी रही है बीजेपी, विजय रथ रुका नहीं है और ये चैलेंज भी है, चुनौती भी है बंशीधर भगत के लिए। अनुभव रखते हैं, पुराने नेता हैं 70 के दशक से लेकर 2020 तक का, किस तरीके से इनके निजी सफर को देखा जाए, राजनीतिक सफर को देखा जाए? अजीत, इस तरह से 6 टर्म के ये विधायक हो चुके हैं और अब की बार जो पहुंचे हैं विधानसभा तो 6वीं बार पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो अच्छा खासा अनुभव रखते हैं राजनीति का और किस तरह से चुनावी मैदान में ये उतरेंगे आने वाले 2022 के चुनाव में, वो भी इनके सामने होगा। तो तमाम तरह का जो राजनीतिक अनुभव है वो अच्छा खासा है, मजबूत पकड़ रखते हैं नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। अब उस अनुभव का कितना फायदा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उठा पाते हैं, इसका इंतजार सबको रहेगा। फिलहाल सबसे कुछ ही समय पहले इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब नई जिम्मेदारी के साथ जब ये कार्यकर्ताओं, संगठन और तमाम जो आम जनता के बीच पहुंचेंगे तो उससे कैसे समन्वय में बिठा पाएंगे, इसका इंतजार है। राजनीतिक अनुभव का कितना फायदा ये दे पाएंगे, 70 के दशक से राजनीति में है, उस अनुभव का कितना फायदा इनको मिलेगा, कितना फीडबैक जनता से मिल पाएगा, इसका इंतजार रहेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो बंशीधर भगत के आगे आगे चल रही है, अच्छा खासा अनुभव है, तो उस अनुभव का फायदा अगर ये उठा पाते हैं तो ये सबके लिए सही होगा। जी, अनुभव का फायदा उठा पाते हैं उनके लिए सही रहने वाला है, अनुभव भी रखते हैं, वरिष्ठ भी हैं। और एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये कि बंशीधर भगत अब बीजेपी के नए अध्यक्ष, उनका सफरनामा भी अजीत हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया था इस बात को लेकर कि आप मंत्री बनना चाहेंगे या अध्यक्ष बनना चाहेंगे, तो उन्होंने पहले कहा था मैं 2 साल के लिए मंत्री नहीं बनना चाहूँगा, मुझे अध्यक्ष बनाए तो अच्छी बात है। जो 3 मंत्री पद खाली है उसको लेकर कोई खबर निकल रही है और ये इसमें भी बंशीधर भगत का रोल रहेगा? बिल्कुल, जिस तरह से तमाम जो प्याजबाजी थी कि कैबिनेट भी सफल होनी है, कैबिनेट विस्तार दिया जा सकता है, प्रदेश संगठन में जो नया चेहरा आएगा वो किसका होगा, तो उसमें से तमाम प्याजबाजी है उन पर अब विराम लगना शुरू हुआ है। सरकार की तरफ से पिछले ही दिनों लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी, नए दायित्व सौंपे गए हैं। उत्तराखंड भाजपा का चेहरा बदल चुका है, अब बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड भाजपा के, और जो रीशफल की बात हो रही है कैबिनेट की वो कहीं ना कहीं इनके एक बयान से भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अध्यक्ष बनने से पहले बंशीधर भगत ने बयान दिया था कि प्रदेश अध्यक्ष बनना ज्यादा बेहतर होगा बशर्ते कि 2 साल के लिए मंत्री बनाया जाए सरकार में, तो अब उस
बयान के कितने मायने निकलते हैं ये सबके सामने है। बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और रिसफल अगर सरकार में होता है तो खासा अनुभव यूज किया जाएगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको सामने रखा जाएगा बंशीधर भगत की तरफ से। तो तमाम चीजों को सरकार को भी मानना होगा, सरकार को भी समझना होगा और बंशीधर सरकार और संगठन में तालमेल भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जीत आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।